नमस्कार दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कच्चा प्लास्टर और पक्का प्लास्टर क्या होता है। कच्चा प्लास्टर को स्लैब बोलते हैं, पक्का प्लास्टर को कास्ट बोलते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको दिखाने वाला हूं। अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिए। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, इंटरनल सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ साइन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड यूरोपिया फार्मा एंड प्राउड फादर ऑफ पर्सन एंड हस्बैंड ऑफ लवली वुमन। एक्चुअली प्लास्टर जो है, बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग लगाते हैं, लोग चर्चा करते हैं कि कच्चा प्लास्टर लगाना है पक्का प्लास्टर, और मरीज कंफ्यूज हो जाता है कि कच्चा प्लास्टर क्या होता है, पक्का प्लास्टर क्या होता है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कच्चा प्लास्टर या पक्का प्लास्टर क्या होता है। ये हमारे असिस्टेंट है, इन्हीं पे मैं दिखाऊंगा। एक्चुअली कोई प्लास्टर लगाते हैं तो पहले हम लोग कॉटन लगा देते हैं, क्योंकि ये तो प्लास्टर कितना बार बर्न भी होता है और कितना बार प्रेशर पॉइंट पे मरीज को कष्ट भी होने की संभावना रहती है, तो इसलिए पहले कॉटन लगा देते हैं और उसके बाद से प्लास्टर लगाते हैं। तो प्लास्टर दो तरह के होते हैं, कच्चा प्लास्टर होता है। कच्चा प्लास्टर इसको बोलते हैं ना, जिसे ये इसको एक साइड लगा के और ऊपर से बैंडेज लगा के, एक कच्चा प्लास्टर, जैसे इनको ही हम एक कच्चा प्लास्टर लगा के आपको दिखाते हैं। तो एक प्लास्टर ही है नॉर्मली, इसको एक प्लास्टर का रोल ही है और इसको हमने जितना लेंथ लगाना है उतना बना के और इसको हम पानी में भिगाएंगे और भिगा के ऊपर बैंडेज से हम इसको लगा देते हैं। अब बाकी अब इसको बैंडेज से हम बांध देंगे। दिखाने के लिए इसको लगा रहा हूँ, अभी एक ही साइड में मैंने लगा दी। अब ये लगा के अब ये धीरे धीरे टाइट हो जाएगा। टाइट हो जाने के बाद से तो ये अगर आप देखेंगे तो एक ही साइड में है, तो इसी कच्चा प्लास्टर ये पूरे साइड में नहीं, दूसरे साइड में खुला है, प्लास्टर नहीं है दूसरे साइड से। और ये सूजन में जब टूटा रहता है तो हम लोग लगाते हैं, जब सूजन होने की संभावना रहती है, क्योंकि अगर ये इससे सबसे बड़ा बेनिफिट है कि सूजन होने के बाद से भी सूजन को बढ़ने का जगह मिलता है। अगर पूरा पक्का कर देंगे तो उसको जगह नहीं मिलता, जिससे कंप्रेशन होता है, जिससे दिक्कत भी होता है मरीज को। अब इनके दूसरे हाथ में हम इसके इनके पक्का प्लास्टर लगाएंगे। प्लास्टर कभी भी लगाएंगे तो एक चीज का ध्यान देना है कि अगर किसी ने अंगूठी पहना है, ये सब चीजें हैं, तो ये सब चीजें निकाल देना। तो जैसे इसमें हम दिखा रहे हैं पक्का प्लास्टर कैसे रहता है, उसी तरह से अपना कॉटन तो लगाना ही है। और ये रोल को हमने पानी में पूरा का पूरा इसको मिला किया, जब तक बबल्स आ रहे हैं, बबल निकलने के बाद से इसको बंद कर देते रोक लेते। और इसके बाद से ये अभी पूरा का पूरा प्लास्टर ही रोल कर रहे हैं। अभी चारों तरफ से ये टाइट होता है, एक साइड से टाइट नहीं होता, ये चारों तरफ से टाइट होता है। इसका सबसे बड़ा ये है कि चारों तरफ से टाइट होगा, तो यही पक्का प्लास्टर होता है, जिसको कास्ट भी कितना लोग बोलते हैं। तो कच्चा प्लास्टर और पक्का प्लास्टर आप समझ पा रहे होंगे कि क्या डिफरेंस है। कच्चा प्लास्टर एक ही साइड में प्लास्टर रहता है, बाकी साइड में रोल रहते हैं, जबकि पक्का प्लास्टर में चारों साइड से अब इसको कहीं भी जगह नहीं है। अब एक बार ये टाइट हो जाएगा तो इसको कहीं भी जगह नहीं रहता कि वो हिल कूद सके, चाहे उसमें कहीं भी स्पेस। अब अगर ये चीजें शुरू में जब टूटा है तो नहीं लगाते, क्योंकि वहां पर सूजन होने की संभावना। अब यहाँ पे इसमें सूजन हो तो उसको जगह ही नहीं है कहीं फैलने के लिए, तो उस पर क्या होता है कि कॉम्प्रेशन होता है, जिससे सर्कुलेशन का भी दिक्कत हो सकता है फ्यूचर में। तो इसलिए शुरू में कितना बार मरीज लोगों को कच्चा प्लास्टर लगाते हैं, एक बार थोड़ा सूजन कम हो जाता है, चाहे सूजन अब रुक जाता है, तो बाद में उसको पक्का प्लास्टर लगाते हैं। तो ये पक्का प्लास्टर है और ये कच्चा प्लास्टर है। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा एग्जैक्टली ये कच्चा प्लास्टर क्या होता है और पक्का प्लास्टर क्या होता है, और कच्चा प्लास्टर क्यों लगाते हैं और पक्का प्लास्टर क्यों लगाते हैं। थैंक यू, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, लव यू ऑल, थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।